सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम इसमें कुछ ट्रिक्स देखने वाले हैं स्क्वेयर्स के। ठीक है, जो भी आप सिर्फ नंबर देख के कुछ सेकंड्स के अंदर आप इसका आंसर भी बता दोगे, पर यहाँ पर एक कंडीशन होगी कि वो नंबर है ना वो 10 की पावर जितनी भी होगी ना उसके अराउंड में होना चाहिए। मतलब फॉर एग्जाम्पल 10 की पावर 1 क्या होगा 10, तो वो नंबर 10 के अराउंड होना चाहिए, या फिर 10 का स्क्वेयर 100 के अराउंड, या फिर 10 का क्यूब 1000 के अराउंड। ठीक है, ऐसे ही चलते जाएगा, तो इसके अराउंड में वो नंबर होना चाहिए, तो ही आप इसका इस ट्रिक को यूज यहाँ पर कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल अगर आप सबसे पहले लू 10 है, ठीक है, मैं तीनों के एग्जांपल लूंगा एक एक, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहला एग्जांपल लेता हूं मैं 16, जो कि 10 के नजदीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10 + 6 16 को लिख सकते हैं, राइट, 10 + 6। तो यहां पर देखिए 10 से 6 नंबर ज्यादा है, तो यहां पर अब हम क्या लिखेंगे, ये जो नंबर होगा ना वो एज इट इज यहां पर लिखेंगे 16, प्लस यहाँ पर जितने नंबर 10 से ज्यादा है ना वो भी लिख लेंगे, तो यहाँ पर 16 + 6 लिखेंगे। ठीक है, समझ में आया, 16 10 से 6 ज्यादा है तो 10 + 6 लिखा, ये प्लस 6 कॉमन, पर बस यहाँ पर 10 की जगह हम यहाँ पर जो नंबर है ना वो लिख लेंगे। ठीक है, तो 16 + 6। अब हम क्या लिख करेंगे, 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36 होता है, राइट, तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे। फिर देखिए 16 + 6 क्या होगा, 22, तो उसको हमने यहाँ पर लिखा। अब ध्यान से देखना, अब हम कैसे करेंगे, देखिए ये जो पहला जो नंबर है ना 16 + 6 यहाँ पर एडिशन करके, तो उसका जो पहला डिजिट है वो हम यहाँ पर लिखेंगे, और इस नंबर का आखिरी डिजिट लास्ट में लिखेंगे, और बीच में कौन सा आएगा, इन दोनों का एडिशन 2 + 3 = 5, तो 16 का स्क्वायर यहाँ पर स्क्वायर होगा, 16 का स्क्वायर जो आएगा वो आएगा 256। ठीक है, हमें 16 का स्क्वायर फाइंड आउट करना था, वो मिला 256, तो इस ट्रिक से आप ये सोल्व कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर 12 होता, 12 का स्क्वायर अगर मैं फॉर एग्जाम्पल 12 का स्क्वायर होता तो हम क्या लिखते हैं, 10 + 2 लिखते हैं, राइट, तो 10 + 2 आता, 12 वो +2 करेंगे। ठीक है, 10 की जगह 12 लिख लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर किया, तो 12 + 2 14 होगा, पर यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर तो 4 आएगा, तो पहला डिजिट तो 1 हो जाएगा, लास्ट वाला 4, तो हम एडिशन किसका करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 04 लिखेंगे, 2 का स्क्वायर 04, तो 4 + 0 बीच में आएगा 144। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी यहाँ पर 1 डिजिट होगा तो आगे 0 पुट कर देंगे, और जब 2 डिजिट होगा तब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है, तो सिंगल डिजिट में सिर्फ यहाँ पर 0 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि जब नंबर 100 के अराउंड होगा, 10 का स्क्वायर जो 100 के अराउंड होगा, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक एग्जाम्पल लेता हूँ 94 का स्क्वायर, इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 100 - 6, राइट, तो यहाँ पर सेम करेंगे, ये नंबर एज इट इज -6, और 100 की जगह यहाँ पर जो नंबर होगा वो पुट कर देंगे 94 - 6, तो 94 - 6 क्या होगा, 88 होगा, और यहाँ पर 6 का स्क्वायर 36 यहाँ पर पुट करेंगे, जैसा हमने यहाँ किया सेम यही। पर अब देखना, अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, क्या हम यहाँ पर क्या करते थे, पहला डिजिट पहले लिखते थे और लास्ट वाला लास्ट में, और बीच में दोनों का एडिशन करते थे, हम यहाँ पर एडिशन और कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, पहले जो नंबर होगा वो यहाँ पर लिख लेंगे 88 एंड लास्ट वाला यहाँ पर, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 8836 क्या होगा, 94 का स्क्वायर होगा। इस तरीके से आप आसानी से कोई भी नंबर जो 100 का अराउंड होगा उसको आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो वो एग्जाम्पल 100 का अराउंड। अब फॉर एग्जाम्पल मैं लू अगर कोई नंबर 1000 का अराउंड ले, तब हम क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं लू 994 का स्क्वायर, राइट, 994 को कैसे लिख सकते हैं, 1000 - 6, तो -6 एज इट इज, 1000 की जगह क्या लिखेंगे, 994, राइट, 994 - 6। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36, उसको हमने यहाँ पर लिखा। ठीक है, 36 को यहाँ पर लिखा, और 994 - 6 क्या होगा, 988। ठीक है, ये हमारा 988 होगा, और यहाँ पर 36 होगा, और अब देखिए यहाँ पर 3 डिजिट नंबर है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 6 डिजिट नंबर आएगा, राइट, तो यहाँ पर ये पहला नंबर एज इट इज लिखेंगे 988, और यहाँ पर 2 डिजिट है, पर हमें और 3 डिजिट चाहिए, तो यहाँ पर लिखेंगे 036। ठीक है, यहाँ पर हमने आगे 0 ऐड कर दिया, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर 2 होता तो यहाँ पर 4 आता सिर्फ, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, 004, ताकि लास्ट में 3 डिजिट आ जाए। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया, जो मैंने ट्रिक्स बताई है ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है। इसमें आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।